हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल सविता इंग्लिश क्लासेस टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस फ्यूचर इट मींस फ्यूचर को भी इंडिकेट करना है हमें परफेक्ट परफेक्ट इट मींस कुछ जो टास्क है हमारा वो कंप्लीट भी हो चुका होगा फ्यूचर में और वो कंटिन्यू भी होगा उस समय उसी वर्क की कंटिन्यूटी भी होगी इट मींस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बता दमेशंस फॉर्मेशंस क्या है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की फर्स्ट फॉर्मेशन जो है दैट इज फॉर ए सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है विलोर एल साथ में हम क्या यूज करेंगे हाव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी देन ऑब्जेक्ट देन सिंस और फोर के साथ हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम इट मीन्स यहाँ पे देखो परफेक्ट को शो करने के लिए हमारा हैव है साथ में और कॉन्टिन्यूस को शो करने के लिए हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है इट मीन्स इस तरह से जो फॉर्मेशन बनेगी जहाँ पे हैव भी होगा बीन के साथ और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी भी होगा देन आवर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस फॉर एग्जाम्पल वी इज आवर सब्जेक्ट वी सेल अवर हेल्पिंग वर्क हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड टाइम के साथ फोर यू और फोर के साथ हमारा टाइम है ये इसी सेम सेंटेंस को अगर इसी की फॉर्मेशन हम नेगेटिव में चेंज करें तो क्या हो जाएगा क्या हो जाता है नेगेटिविटी को इंडिकेट करने के लिए हम हमारी हेल्पिंग वर्ग के बाद जस्ट बाद में प्लस में क्या करते हैं नॉट को प्लस करते हैं देन अवर सेंटेंस विल भी नेगेटिव सेंटेंस तो ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव कहाँ प्लस एड करे इसी नोट को अगर हम यहाँ पर एड कर दें मीन्स वी सेल नॉट वी सेल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम तो ये हमारा सेंटेंस दिस सेंटेंस विल भी नेगेटिव सेंटेंस इफ वी एड दिस नाट हेयर नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस इट मीन्स हेल्पिंग वर विल कम फर्स्ट देन सब्जेक्ट हैव बीन फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट सिंस फोर एंड ए टाइम सो वी विल चेंज दिस सेंटेंस हाउ टू चेंज वट इज द फॉर्मेशन फॉर्मेशन इज सेल और विल कम फर्स्ट इट मीनस दिस वन सेल विल सेल जो है हमारा ये कहाँ आ जाएगा उठ के आगे आ जाएगा तो ये हमारा स्मॉल हो जाएगा लेटर सेल वी have been waiting for you for a long time or sign of a interrogation then this our this sentence will be interrogative sentence if we will make this same interrogative sentence to the negative we, we are going to transform then what we, we will do after subject we will add a not then it will be our, a negative sentence last one formation is with wh words the words word देन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हाउ बीन फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट और सीस फोर के साथ टाइम को हम यूज करेंगे तो वट विल बी देंटेंस वट विल दे हाउ बीन डूइंग फॉर ए फोर डेज तो इस तरह से हम फॉर्मेशंस होंगे ये हमारी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की और इस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की हमें नेगेटिविटी शो करनी है या इंटरव्यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कहाँ यूज़ करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को किस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करेंगे वी विल यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विथ एक्शन दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन जो हैव बीन देखो यहाँ पे इसको इंडिकेट आप इस चीज़ को समझें हैव बीन गोइंग ऑन जो उस समय हो रहा होगा और हैव इट मीन्स सेम उसी टाइम नहीं कुछ समय पहले से जो काम शुरू हो रहा होगा फ्यूचर के अंदर और बिफोर सम प्वाइंट ऑफ ए टाइम इन द फ्यूचर इट मीन्स कोई काम फ्यूचर के अंदर हमारा शुरू हो चुका होगा उसका कुछ जो पार्ट है हमारे टास्क का दैट है दैट है कम्प्लीटेड वो कम्प्लीट हो चुका होगा बट दैट वॉज नॉट टोटली कम्प्लीट टास्क दैट टास्क विल हैव बीन ए गोइंग ऑन वो वो काम उस समय चल रहा होगा तो इस तरह के सिचुएशन को हम शो करने के लिए एक्सप्रेस करने के लिए वी विल यूज़ फ्यूचर परफेक्ट ए कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर एग्जाम्पल सी विल हैव बीन वीपिंग सिंस थ्री पी एम किसी भी इस तरह की सिचुएशन को हम क्रिएट करने के लिए शो करने के लिए दैन वी विल यूज़ ए फ्यूचर परफेक्ट Continuous tense. So, these are the formations and use of future perfect continuous tense. I hope you understood everything. After watching this video, you like, share, and subscribe my channel.